देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। मामला बांदा जनपद के सिविल लाइन चौकी का है, जहां पुलिस ने डीजे और लाइट के व्यापारियों और कर्मचारियों के 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद संगठन के पदाधिकारी सिविल लाइन चौकी पहुंचे और अपने साथियों को छुड़वाने की कवायद में जुट गए। वहीं संगठन के उपाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस ने अकारण ही सभी व्यापारियों कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी कलेक्ट्रेट परिसर में ज्ञापन देकर वापस लौट रहे थे और गणेश महोत्सव पर डीजे लाइट वालों को बता दिए थे कि किसी प्रकार से भी डीजे ना चलाएं। वहीं पुलिस का कहना है कि डीजे की रोक के चलते सभी व्यापारी गणेश महोत्सव में लगी लाइटें भी हटवा रहे थे और शांति भंग कर रहे थे, जिसके चलते सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका चालान कर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंप दिया गया है। ज्ञापन दे के लौट रहे थे, साउंड सर्विस का बंद का आह्वान था, वो लेके जहाँ लाइट लगाए थे वहाँ पे कमेटियों को बताने गए थे कि साउंड सर्विस नहीं चली। इस बीच में किसी व्यक्ति ने शायद फ़ोन कर दिया हो कि कई लोग हैं उस विचार में आगे बन गए, वजह उन्होंने अभी तक अवगत नहीं किया। ये बताया कि हमें सूचना मिली कि बहुत सारे लड़के आगे ऊपर रोक उजल का भर के छोड़ कर व्यक्ति है जो डीजे चलाते हैं, उसी में 30 लोगों को पकड़ लिया। 30 लोग ज्ञापन देने आए थे, ज्ञापन देने के बाद उनको बैठा लिया गया और पुलिस ने उसका चालान कर दिया। ज्ञापन देने के बाद पुलिस ने बैठा लिया? जी जी हाँ, और कोई अपराध नहीं किया, नहीं कहीं बजा रहे। अब ये आज जो है मुचल के आधार से सब कुछ होने जा रहा है। अगर ये ज्ञापन देने आए थे और ज्ञापन देने पकड़ के बैठा गया, ये तो पुलिस की ज्यादती ही है, इस पर क्या कहेंगे? तो इसमें अब पुलिस है, पुलिस ने क्या कह के बताया आपको कि क्यों पकड़ा? आपको जानकारी दी गई हो? शांति न हो इसके लिए खाली एक वार्निंग दे रहे हैं कि अगली बार आप जो है नवरात्रि आ रही है आप डीजे नहीं बजाएं। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में डीजे पर जो है समुचित प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके तहत कुछ डीजे संचालक जो है गतिरोध उत्पन्न कर रहे थे, उनको शांति भंग में जो है उनका 151 में चालान किया गया। बाद में उनको जो है निजी मुचलके पर सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ से छोड़ दिया गया है और आगे से उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि वो डीजे नहीं बजाएंगे और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो भी निर्देश निर्गत किए गए हैं उसका अक्षर पालन। बांदा से संवाददाता विष्णु सिंह की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।